भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निःशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। विश्व को देखने का मतलब है अपने आप को देखना, और अपने आप को देखने का मतलब है अपने शुद्ध स्वरूप में जाना। समझ, बोलना नहीं, क्या करना उसमें। एक मूर्ति जब बनती है ना पत्थर की, कैसे बनती है? एक शिल्पी आता है, एक हथौड़ी लेता है, एक छेनी लेता है, धीरे धीरे एक पत्थर का एक पाषाण खंड उठाता है, उस प्रस्तर को उठा करके क्या करता है, उस मूर्ति में भगवान के दर्शन कर लेता है। मूर्ति बनी नहीं है, लेकिन उसने अपने मस्तिष्क में किसके दर्शन कर लिए? भगवान के, कि मुझे ऐसा स्वरूप बनाना है। ध्यान रखिए, ऐसा रूप बनाना है भगवान का। वो रूप उसके मन में पहले बनता है या प्रस्तर में पहले बनता है, पाषाण में पहले बनता है या दिमाग में? दिमाग में वह मूर्ति बना लेता है, फिर क्या करता है? इस पाषाण में से भगवान को प्रकट करना है। कैसे भगवान प्रकट होंगे? छेनी लेता है, हथौड़ी लेता है, चोट करते जाता है। ध्यान रखना, चोट करते 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 जितना अनावश्यक पत्थर होता है उसको हटाता है। मूर्ति नहीं बनाता वो, क्या करता है? जो एक्स्ट्रा है, जो अनावश्यक है, जो बेकार में लगा है, उसे छेनी से अलग करते जाता है, अलग करते जाता है, पत्थर को छीलते जाता है, छीलते छीलते पत्थर को अलग करते करते जब सारा अनावश्यक पत्थर हट जाता है तो जो आवश्यक प्रकट होता है वो भगवान की प्रतिमा हो जाया करती है। प्रतिमा आवश्यक है, प्रतिमा पे पत्थर अलग से नहीं लगाया है, उसी पत्थर में से जो अनावश्यक था उसको हटा दिया, भगवान की मूर्ति बनकर के तैयार हो जाया करती है। आप सुबह से शाम में सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मेरे जीवन में अनावश्यक क्या क्या है, मेरे जीवन में जितना अनावश्यक है एक जन्म में उस अनावश्यक को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। क्रोध आवश्यक है कि अनावश्यक है? बोलिए, आवश्यक है गुस्सा करना, अनावश्यक है ना, उसको हटा दो अपने दिमाग से। मायाचारी अनावश्यक है, उसको दिमाग से हटा दो। क्रोध अनावश्यक है, उसको दिमाग से हटाओ। लोभ अनावश्यक है, मान अनावश्यक है, वासना अनावश्यक है। आवश्यक क्या है इस शरीर में? मेरे अलावा और कोई भी आवश्यक नहीं हुआ करता। जितना अनावश्यक है उसको हटाते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। बस इसी का नाम तो साधना है, इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम तो निर्वाण की यात्रा है, इसी का नाम तो मोक्ष की यात्रा है। बातें करने से कुछ नहीं होता है, अनावश्यक को हटाओ। आभूषण इतने आवश्यक है क्या? बोलो, रात में खाना इतना आवश्यक है क्या? आलू प्याज खाना इतना आवश्यक है क्या? ये सारी चीजें लेकर के चलोगे तो परमात्मा की प्रतिमा कहां से प्रकट हो जाएगी? यदि पत्थर अनावश्यक को छोड़ने को तैयार नहीं होगा तो पाषाण कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। अनावश्यक को छोड़ो, ये कोई धर्म नहीं है, ये मत सोचो कि कोई नियम है, कोई संकल्प है, कोई धर्म है, कोई बहुत बड़ी साधना है। नहीं, जिसको पाना है उस मार्ग की अनावश्यक चीजों को हटाना हमारा सबसे बड़ा फर्ज होता है। ध्यान रखना, कचरा घर में पड़ा हुआ है, कितनी बार झाड़ू लगाती हो, लगाती हो या लगवाती हो? बोलो इंद्राणी, हो है? लगवाते हैं ना, दोनों कर लेते हैं, कभी कभी वो लगा देते हैं और कभी कभी हम लगा देते। वाह क्या बात, मिलजुल कर काम होता है। ध्यान, इतना आजकल इतना आपस में वो चलता है, एक दूसरे का सहयोग, इतना सहयोग। एक महिला थी, बोले मैं अपने पति के साथ बहुत कोऑपरेट करके चलती हूं। मैंने कहा धन्य हो, पति के साथ कोई कोऑपरेट करता है कि आज की दुनिया? बोले नहीं नहीं, मैं बहुत कोऑपरेट करती हूं। मैंने कहा कैसे? बोले हमारे घर में झगड़े नहीं होते, हमारे घर में विवाद नहीं होते, हमारे घर में लड़ाई नहीं होती है। मैंने कहा क्या वजह है, क्यों नहीं होती है? बोले हम लोग बहुत एडजस्टमेंट करके चलते हैं। मैंने कहा क्या एडजस्टमेंट करती हो? बोले करते क्या है, कचरा मैं फैलाती हूँ, सफाई वो कर देते हैं, अब झगड़ा किस बात का होगा? कपड़े मैं पहनती हूँ, धो वो देते हैं, खाना वो बना देते हैं, और खा
मैं लेती हूँ। ध्यान रख, अब किस बात के झगड़े होंगे, अब किस बात का विवाद होगा, ध्यान रखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सुबह से शाम जब कचरा घर में होता है तो क्या करते हो, एक झाड़ू से लेकर के कचरा को बाहर निकालते हो। ऐसा तो नहीं कि तुम कमरे में जाके बोलते हो, हे कमरा तू साफ हो जा, हे कमरा तू साफ हो जा, हे कमरा तू पवित्र हो जा। आज जाके बोलना कचरा पड़ा हो कि हे कमरा देवता तू स्वच्छ हो जा, तू पवित्र हो जा। जब भाग्य में होगा तो हो जाएगा, जब काल लब्धि आएगी तो कमरा साफ हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? जिंदगी भर भी चिल्लाओ तो कक्ष साफ होने वाला नहीं है। गंदे कपड़े पड़े हैं और कपड़े के सामने चिल्लाते रहो तू पवित्र है, तू पवित्र है, उससे उसकी पवित्रता प्रकट नहीं हो जाया करती है। कमरे को स्वच्छ रखना है तो झाड़ू लगाना ही पड़ती है। और झाड़ू लगा करके क्या हम स्वच्छता को बुला रहे हैं या गंदगी को भगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगाते समय स्वच्छता को बुलाते हैं कि गंदगी को बाहर भगाते हैं? गंदगी को बाहर भगा लीजिए, स्वच्छता बुलाने की जरूरत नहीं है, स्वच्छता अपने आप प्रकट हो जाया करती है। हमारे जीवन की जो गंदगी है उन्हें बाहर निकालो, उन्हें सीने से लगा के मत जियो। और विषय भोगों में लगा हुआ जीवन मोक्ष की बातें करता है, कामनाओं में उलझा हुआ जीवन, आकांक्षाओं में उलझा हुआ जीवन ताला डाल के घोड़े पर बैठ करके भाग गया। जैसे ही भागा राजा ने पूरा खजाना देखा, अब सोचा कि चलो राजधानी वापस चलते। अब कैसे वापस जाएगा, बाहर से तो मंत्री ताला डाल करके चला गया। ताला डला, राजा दरवाजे खुलवा रहा, चिल्ला रहा है, दरवाजा पीड़ा, कोई खोलो कोई खोलो। देखो सम्राट है, कहां बंद हो गया, एक कोठले में बंद हो गया, खोलो खोलो। अरे राजधानी हो तो ताली बजाते ही नौकर चाकर आ जाए, जंगल में कौन आ रहा है तुम्हें खोलने के लिए, चिल्ला रहा है कोई खोलो। कहते हैं पूरी रात हो गई, जंगल में खोलने वाला राजा को बहुत प्यास लगी, पानी, राजा को भूख लगी, भोजन, क्या करें। हीरे की तिजोरी के पास गया, बोले मुझे एक गिलास पानी दे दो, कंठ सूख रहा है मेरा, हीरा कहां से पानी देगा। माणिक मूंगा मोती के पास गया, एक वक्त की रोटी, दो रोटी दे दो मैं तृप्त हो जाऊंगा। सम्राट है, क्या बन गया, भिखारी बन गया, मुझे दे दो। हीरे मोती जवाहरात ने देखा, कौन देगा इसको पानी, कौन देगा भोजन, बाहर जंगल में खजाना गाड़ा है, वहां कोई देखने वाला भी नहीं है। क्या हुआ, कोई नहीं दे रहा। जैसा लगा उस राजा को जैसे माणिक मोती हीरा कह रहे हो कि पागल, देख तेरी दौलत तुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती है, किसके लिए जोड़ा था, किसके लिए बटोरा था, अब आवाज लगाते रहे तुझे कोई पानी देने वाला। मंत्री था तो चला गया, मंत्री को पता लगा कि राजा गायब है, राजभवन में राजा है ही नहीं। उसने कहा राजा कहां गया, पूरे नगर में राजा को ढूंढा। अब उसे क्या मालूम मती मारे को कि मैं ही उसे बंद करके आ गया हूं, पूरे में घूमा ढूंढते। मंत्री के तो होश उड़ गए कि राजा कहां चला गया, सुरक्षा कर्मियों से पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम राजा कहां गए। पूरे राजधानी में ढूंढते ढूंढते 7 दिन लग गए। राजा 7 दिन से क्या कह रहा है, पानी दे दो, भोजन दे दो, कोई भी उसे देने वाला। राजा ने क्या किया, सब संदूक के हीरे जवाहरात निकाले, पूरी एक सैया बनाई और उस पर लेट गया, हीरे मोती पर, माणिक पर, जिसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करते रहा, जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया, उस पर सो गया। उसने कहा मैं जा रहा हूं, भूख प्यास से 7 दिन में प्राण निकलने लगे राजा के। उसने क्या किया, बोले मैं कुछ लिख करके जाता हूं। तो उस कोठरी में ना तो कागज था और ना पेन था, कुछ नहीं था, कागज कलम दवात कुछ नहीं। राजा ने एक हीरा उठाया, उस हीरे से कट लगाया, खून निकला, उस खून से दीवार पर राजा ने कुछ लिखा।